are in the ratio 64:27, then the ratio of their surface area is 4/3. See बच्चों, we have two spheres, let's say 1 and 2, and the ratio of their volume is 64/27. मैम आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग द असाइनमेंट्स? One student is absent, so I have given to that. ओके, एवरीबडी हैज द असाइनमेंट? एवरीवन हैज असाइनमेंट? प्लीज रेज योर हैंड, यस और नो। इफ यस देन रेज योर हैंड्स। राइट बच्चों, सो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज वी वन एंड वॉल्यूम ऑफ अदर इज वी टू। लेट से रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर इज आर वन एंड सेकेंड इज आर टू। देन वट इज गिवन टू अस? वी वन अपॉन वी टू। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर और नॉट बेटा? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? तो यहां तक कोई डाउट है तो बताइए बच्चों। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? राइट बच्चों, इक्वल टू 64/27, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? आर वन अपॉन आर टू होल क्यूब। इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट बच्चों? सो नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस? रेशियो ऑफ द रेडियस इज 4/3। इज इट क्लियर? Now we have to find the ratio of their surface areas. What will be the ratio of their surface area? What is the surface area of a sphere? What is the surface area of a sphere, बच्चों? 4 pi r square. So this will be ratio of their surface area will be this. 4 pi 4 pi will be cancelled out. And it will be equal to R1 upon R2 whole square. Is this clear? बच्चों स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है बच्चों आपको? सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2? 4/3। सो देयर सरफेस एरियाज विल बी स्क्वायर ऑफ 4/3। एज द रेशियो विल बी सरफेस एरिया की रेशियो क्या आ गई हमारे पास बच्चे? 16/9। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बच्चों? सो आपकी असर्शन इज करेक्ट और फॉल्स? असर्शन में गिवन है बेटा 4/3, सो देयरफॉर इट इज दिस इज फॉल्स। एंड रीजन इज वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। इज दिस करेक्ट? इट इज ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हेल्स चॉइस कौन सी हो जाएगी? डी चॉइस। क्लियर है बच्चों? क्या बात, आज आप लोग बड़े डाउन डाउन से हो कुछ। Why you are not participating in the discussion? चलिए मैं पूछ लेता हूँ किसी को बुला के बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बच्चों। इफ वी ज्वाइन टू हेमीस्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट ए सफियर। इज दिस ट्रू? यस। राइट रीजन, एन ओपन टैंक इज मेड ऑफ द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है, रीजन और
असर्शन का कोई कनेक्शन नहीं है बच्चों, है कोई कनेक्शन? नो, बट वी हैव टू चेक वेदर रीजन इज ट्रू और नॉट। राइट, सो एन ओपन टैंक इज मेड अप ऑफ द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। इसका डायग्राम क्या बनेगा बच्चों? ये सिलेंडर है बच्चे, ये सॉरी, शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन मीन्स दिस इज अ डिप्रेशन बच्चों। इज दिस क्लियर? राइट, नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। दिस रेडियस इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1.45। इज इट क्लियर? द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द टैंक इज, यू हैव टू फाइंड द PSA ऑफ टैंक। हाँ जी, रो नंबर 13 सेक्शन ए आ जाए जरा। रो नंबर 13 कौन है बेटा सेक्शन ए में? प्रेजेंट और नॉट? एब्सेंट, क्या बात है। 13 आ जाए जी सेक्शन बी से। फिर रो नंबर 13 फ्रॉम सेक्शन बी प्लीज कम। हाँ जी बच्चे, माइक ले लो हाथ में, माइक हाथ में ले ले बेटा ताकि आवाज मेरे को क्लियर आए। हाँ यस सर। जी, क्वेश्चन समझ आया आपको? आपके असाइनमेंट कहाँ है? सर आई वाज एब्सेंट इन प्रीवियस क्लास सो आई डोंट हैव दैट वर्कशीट सर। मैम से आपने बोला नहीं बेटा असाइनमेंट के लिए? हाँ सर मेरी नहीं, जी, मेरी नहीं सर। अच्छा क्वेश्चन आपको समझ में आया? थोड़ा सा डाउट था। अच्छा, जो डाउट है पहले डाउट बता दो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम क्या बेटा आपका? हरमन सिंह नागरा सर। हरमन सिंह नागरा। अच्छा जी, हाँ जी हरमन जी, की है क्वेश्चन का मतलब समझ आया था अनु? क्या यस सर। मतलब है बेटा, प्लीज टेल मी। क्वेश्चन ही नहीं पता अभी कौन सा चल रहा है ना। इफ यू सर डोंट हैव द असाइनमेंट यू शुड हैव आस्क योर टीचर। इफ स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इट यू शुड हैव शेयर विद योर बेंच पार्टनर और समवन एल्स। जल्दी बताओ जरा, टाइम नहीं वेस्ट करना। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ जी, केड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 10th टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन का सेशन पे है, रीजन पे है? हाँ जी बताइए बेटा। सर। सी ऑप्शन है सर। यार मैंने ऑप्शन तो पूछी ही नहीं बेटा, ऑप्शन पूछी है मैंने? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? दिस इज माय क्वेश्चन। यस सर। हाँ जी बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक हाउ वी विल फाइंड? हाँ जी सर। बेटा आप आंसर पे कैसे पहुंचोगे? पहले सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन को? यस सर। अभी ऐसा थोड़ा है कि अगर एमसीक्यू है, सेशन रीजन है, तुक्के मार के कुछ भी लिख दो। सर यस और नो? तो यू फर्स्ट यू विल सॉल्व एंड देन आंसर द क्वेश्चन। नाउ टेल मी हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिट डाउन। हाँ जी, मानव फ्रॉम सेक्शन ए इज मानव प्रेजेंट? पर सेक्शन ए में मानव है ही नहीं। ओके, ओ सो सॉरी 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 सॉरी। ओके राइट जी, सेक्शन ए से आ जाए बच्चे। रोल नंबर 17 कौन है? आ जाओ।
यस हाँ जी बच्चे, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? कैन सर, यू प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ टू डू दिस? सर सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर एंड टीएसए ऑफ सिलेंडर लगेगा। टीएसए ऑफ सिलेंडर, वाई टीएसए ऑफ सिलेंडर? हाँ जी, वाई वी विल टेक द टीएसए? बच्चे हैव यू रेड द स्टेटमेंट? एन ओपन टैंक, एन ओपन टैंक। सीएस सीएसए बच्चे इफ इट इज अ ओपन टैंक व्हाट यू विल टेक, सीएसए ऑफ सिलेंडर और टीएसए प्लस सीएसए सीएसए ऑफ हेमिसफियर? यस सर, नाउ टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर सीएसए ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हेमिसफियर? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो प्लीज टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। सर वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या क्या वैल्यूज हैं बेटा? आर की वैल्यू क्या है? सबसे पहले फार्मूला को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। और हाइट की वैल्यू क्या है? 1.45। 1.45। तो हाइट को 1.45 लगा रहे। यस सर, वाई बच्चे ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, वोंट यू कन्वर्ट इट? इसकी कन्वर्जन करेंगे या नहीं करेंगे बेटा? कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, आपको जो चॉइस गिवन है, चॉइस गिवन है मीटर स्क्वायर में, राइट? यस सर, तो व्हाट यू विल डू, विल यू कन्वर्ट रेडियस इनटू मीटर और विल यू कन्वर्ट हाइट इनटू सेंटीमीटर्स? प्लीज टेल मी। हाँ जी बोलिए बेटा। हाइट इनटू सेंटीमीटर, हाइट इनटू सेंटीमीटर, चलिए हाइट इनटू सेंटीमीटर कितनी हो जाएगी हाइट बेटा? हाँ जी कन्वर्जन करके बताइए मुझे कितनी हो जाएगी। इतनी देर नहीं लगानी बेटा, जल्दी बोलिए। 1.4 मीटर है इन सेंटीमीटर, व्हाट इट बिकम्स? बच्चे हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 100। 100। तो 1.45 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 100 होंगे या 145 होंगे बेटा? 145 145। कैसे बना बच्चे? 1 मीटर जो है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 0.45 मीन्स 45 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? तो यस सर, 100 प्लस 45 इट विल बी 145 सेंटीमीटर, राइट? यस आगे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? हाँ जी क्या हो गया, पास क्यों ले रहते हो इतना बड़ा? इतनी लंबी कैलकुलेशन तो है नहीं है बच्चे, ये अभी तो सिंपल कैलकुलेशन है, इतना टाइम लगा रहे हो। अगर लंबी कैलकुलेशन आ गई फिर तो और टाइम लगाएंगे आप। हाँ जी जल्दी बताइए मुझे जरा। 175 प्लस करके आ जाएगा 145 और 30 को। आगे क्या करना है बेटा, जल्दी बोलते जाइए जरा। सर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन से पहले कटिंग नहीं हो रही है क्या ही? तो यस वो बताओ ना बच्चे, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें? 44 × 30 × 25 इतना बन गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 750 बन गया, यस और नो? यस सर, आगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? हाँ जी बोलिए बच्चे कैसे करेंगे, बताओ जल्दी से। ये हो जाएगा 0 0, राइट? सर, ये बन गया 3 3 000, राइट? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करें? 1 2 3 4 डिवाइड कर दे बेटा, यस सर,
क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर जो होता है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज क्लियर? सो 3 जीरोस कैंसल, नेक्स्ट जीरो, सो आंसर कितना आ गया बच्चों? तो दिस मीन्स दिस चॉइस इज करेक्ट, ये राइट है बेटा। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यस और नो बच्चों, कौन यस सर, सी चॉइस हो जाएगी? बी बी ऑप्शन। ऑप्शन। प्लीज सिट डाउन। राइट स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 11। नाउ इट इज नॉट एन असर्शन रीजन। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, राइट? इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए बच्चे, एक टेंट बनाया है। टेंट किस तरह से बनाया है? सिलेंड्रिकल बनाया है और उसके ऊपर कोन लगा दिया। मीन्स द टेंट विल बी इन द शेप ऑफ, ये आपका यहाँ पे सिलेंडर हो गया बच्चों, और ऊपर इसके कोन बन गया। इज दिस क्लियर? सो टेंट इज इन दिस शेप। एनीथिंग नॉट क्लियर टिल नाउ? इज दिस क्लियर बच्चों? भाई आज आप लोग क्या बात, इतने डाउन क्यों, एनर्जी नहीं है? हाँ जी स्टूडेंट्स, समझ नहीं आ रहा बेटा? Nobody is responding. Why? बेटा अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, बिकॉज इट्स अ बिग ट्रिकी चैप्टर, ठीक है? स्पेशली सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। हाँ जी, टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, इट्स हाइट इज 3 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 14 मीटर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चों? इफ द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर, राइट? हाइट इज 13.5 मीटर, मीन्स इफ इट्स टोटल हाइट इज 13.5 मीटर, सो इट इज 3 मीटर, हाउ मच विल बी द हाइट ऑफ द कोन? हाँ जी, 10.5 नहीं हो जाएगा बच्चों? देखिए टोटल जो है 13.5 है, तो व्हाट विल बी दिस पार्ट? 10.5 मीटर, राइट? फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कीपिंग ए प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड। इज दिस क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, कौन बताएगा बेटा? सेक्शन ए, जो फर्स्ट सेकंड सेकंड बेंच पे थर्ड स्टूडेंट बैठी है ना, प्लीज कम, बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यू प्लीज कम बच्चे। नहीं आप नहीं, दूसरी तरफ से सेकंड है। हाँ आप आ जाइए, जो इधर उधर देख रहे हैं ना, आप आ जाइए बेटा। नहीं आपके पैरेलल वाले, नो नो नो, नॉट यू। हाँ जी आप बच्चे आ जाइए जी। हाँ जी बच्चे, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? यस आपका ध्यान किधर था? वेयर यू वॉज लॉस्ट? हाँ जी, क्वेश्चन में तो आपका ध्यान नहीं था बेटा। यस टेल मी व्हाट वी हैव टू डू नाउ, बताइए बेटा। सर, हमें वो फाइंड करना है एरिया ऑफ कौन सा एरिया वाला एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, सीएसए और टीएसए, और किसका फाइंड आउट करना है? सर, सी एस ए पॉइंट करना है टेंट किसका जी? टेंट का। का। वेरी गुड। अच्छा टेंट किस शेप का है बेटा,
लुक लुक टुवर्ड्स द स्क्रीन। हाँ जी, सर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कौन? क्या होता है बेटा सी एस ए ऑफ सिलेंडर? टू पाई आर एच। अच्छा, और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है? हाँ जी, पाई आर एल, आई आर एल। तो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे एच कितना गिवन है बेटा? मीटर एच एच कितना गिवन है बेटा? 8.5 मीटर। देखिए रेडियस दोनों का सेम है, हाइट, यहाँ पे हाइट किसकी आई है हमारे पास? सिलेंडर की। तो मैं यहाँ सिलेंडर लिख रहा हूँ, ठीक है, सी वाई एल, राइट। तो मुझे एल सबसे पहले फाइंड आउट करना है बेटा। एल क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। हाँ जी, एच कितना है बेटा? 10.5 मीटर, प्लस आर इज, 14 मीटर। चलो इसका स्क्वायर रूट करके जल्दी से मुझे बताओ। कॉपी पेन ले लो और कैलकुलेट करके बताओ जरा। अगर कोई डाउट लगे तो मेरी हेल्प ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बेटा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14? 196 196। और 10.5 का? ठीक सर वो कर रहे हैं। है बेटा, सर 17025 17025। अगेन चेक इट बेटा, नहीं 17025 तो किसी भी तरह नहीं हो सकता। देखिए, अच्छा इसको ना मैं आपको इजी करके करने का वे बता देता हूँ। देखिए 10.5 है, कैन यू राइट? डेसिमल हटा दें, डिवाइडेड बाय 10, 5 से कट किया इसको, तो ये कितना आ गया? 21। 21 का कितना होता है बच्चे? 441। और 2 का अभी ज्यादा इजी नहीं है करना? यस कितना आएगा अभी बताइए जरा मुझे। वन वन 0.25 आ रहा यस है। यहां तक कोई डाउट? नो ये वाला जल्दी से नोट करो अगर जिन बच्चों ने नहीं किया, और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालो जल्दी से सारे लोग। किसी को भी बुला के मैं पूछ लूंगा स्क्वायर रूट क्या है बेटा। एवरीवन शुड डू जस्ट एड दिस एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इनको एड करके कितना आ रहा है बच्चों? 306.25, राइट? 306.25। वेदर यू कैन डू इट बाय द लॉन्ग डिविजन मेथड और ऑल्सो यू कैन डू इट बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। कीजिए बच्चा जल्दी से। थ्री जीरो सिक्स पॉइंट टू फाइव प्रॉब्लम ही स्टूडेंट्स को जो आती है वो कैलकुलेशन में आती है।
हो गया बेटा। इतना मुश्किल तो नहीं था यार, कितना टाइम लगाए हैं आप लोग। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड्स। अभी तक किसी ने नहीं किया। बेटा मैंने पूछा नहीं था ना किस। हाँ जी, कौन बोल रहा है ये, प्लीज रेज योर हैंड, हु इज दैट स्टूडेंट। हाँ जी बेटा बताइए कितना आया। 17 पॉइंट सबका आ गया बेटा, 17.5। नहीं आया किसी का भी, नहीं आया मैं गारंटी कर सकता हूँ, एक दो बच्चों को छोड़ के सब बस बोल रहे हैं सॉल्व, किसी का नहीं हुआ होगा अभी तक। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली डन इट। अभी मैंने नोटबुक चेक कर लेनी है बेटा, प्लीज फिनिश इट। देखिए बच्चे कैसे करना है, पेयर्स बनाए फ्रंट से, वन वन सा वन, टू टू जीरो सिक्स कैरी किया, वन का डबल कितना आ गया टू, राइट यहाँ पे आएगा सेवन, सेवन सेवन सा 49, तो ये 189 बन गया बच्चों। सो यू आर लेफ्ट विथ 17.25 कैरी किया, 17 2 34, सो 5 लगाया यहाँ पे बच्चे पॉइंट के बाद, 5 5 25, 5 4 20 प्लस 2 22, 17, राइट, इज इट क्लियर। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है बेटा, 17.5 विल बी द वैल्यू ऑफ एल, तो योर एल इज 17.5। तो अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बच्चे, एरिया ऑफ टेंट कितना आ गया, टू पाई आर एच प्लस पाई आर एल, राइट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बच्चों। सो व्हाट वी हैव टेकन कॉमन, पाई आर इंटू 2h प्लस एल। अब ये h जो है ये किसका है बेटा, h इज ऑफ सिलेंडर, सो दिस इज 22/7 इंटू व्हाट इज द r, 14 है, अच्छा व्हाट इज h, 3, एच थ्री है ना बेटा सिलेंडर का, तो प्लस 17.5, सो यहाँ पे कैंसिल हो गया बच्चों ये, राइट 44 इंटू 6 23.5, राइट, सो ये आ जाएगा बच्चों 44 इंटू 6 प्लस, इज इट क्लियर। इसको कैलकुलेट करो जल्दी से, सिंपल है ना, ये 22 हो गया बच्चों और ये 47 हो जाएगा, तो अब कर लो जरा, इजी हो गया, राइट। कितना आ रहा है बेटा, 1034 मीटर स्क्वायर आ गया सबका। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, नाउ यू हैव टू ऐड 26 मीटर स्क्वायर एज द मार्जिन फॉर स्टिचिंग, इज इट क्लियर, यस और नो, यस सो व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ क्लोथ, कितना आया था, 1304, 13 कितना था बेटा, 1034 1034, 1034 प्लस 26, हाउ मच इट बिकम्स, दिस क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड,
Cost of cloth. What will be the cost of the cloth, bachcho? You multiply this area by 500. ठीक है बच्चों, कर दो इसको मल्टीप्लाई। 1 2 3, 3 जीरोस आ गई लास्ट में। 106 × 5, सो दिस मच इज द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ ऑफ द टेंट। इज इट क्लियर बच्चे? कैलकुलेशन जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम रहेगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर × 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? देखिए बच्चों, आपके पास, सबके पास असाइनमेंट है, अपने हाथ में ले लो जैसे मैंने ली हुई है असाइनमेंट, राइट? तो दिस इज ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, यस और नो? लेट्स से दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 22 सेंटीमीटर, इज इट ओके? ऊपर करके रखेंगे सारे लोग, एवरीवन होल्ड लाइक दिस। इज दिस क्लियर? दिस लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड दिस ब्रेड इज 22 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फोल्ड इट टू मेक ए सिलेंडर अलोंग द 22 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर। इज इट ओके? सो नाउ व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर बच्चों, बताइए जरा। रोल नंबर 4 सेक्शन ए, जल्दी से खड़े हो जाइए, आ जाइए जरा। रोल नंबर 4 सेक्शन ए, एब्सेंट 5 आ जाए जरा जल्दी से। हाँ जी बच्चे, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे हम सिलेंडर का? लेंथ लेंथ का हाफ है। का हाफ, वेरी गुड। लेंथ कौन सी है बच्चे? बेटा, 40 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? यस। आपकी असाइनमेंट कहाँ है? हाँ जी, हाथ में ले लो जरा, ऊपर दिखाओ मुझे। ले ली बेटा, नजर नहीं आ रही है मुझे असाइनमेंट आपकी। वेयर इज योर असाइनमेंट? इस तरह से हाथ में ले लिया। दिस इज 22 सेंटीमीटर, दिस इज 40 सेंटीमीटर, राइट? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है बेटा आपकी। सर नाउ अब अपने इसका सिलेंडर बना दिया, बना दिया। अब ये 22 सेंटीमीटर वाली जो साइड हैज इट कन्वर्टेड इनटू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, यस और नो? सर तो व्हाट इज रिलेशन यू गेट? सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। हाउ मच इट इक्वल टू? कैन यू फाइंड राव आर? यस सर आप बोल रहे हो लेंथ का हाफ हो जाएगा, कौन सी लेंथ का हाफ करेंगे बेटा? हाँ जी बच्चे, माइक लेके बोलो जो भी बोल रहे हो। प्लीज टेक माइक इन योर हैंड एंड देन टेल मी। कैलकुलेट करो जल्दी से, आ जा रहा यहीं पे खड़े होके। कैलकुलेट हाँ जी बच्चों, 2 × 22/7 × r = 22। आर कितना आ गया बच्चों? 22 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 एंड
अपॉन अपॉन 2 सेंटीमीटर आ गए बच्चों। अच्छा उसके बाद हाइट कितनी है सिलेंडर की, तो रेडियस कितना है, फाइंड क्या करना है बच्चों हमें, टोटल एरिया और सरफेस कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टीएसए फाइंड आउट करना है बच्चे। हाँ जी बताइए जरा टीएसए का फार्मूला क्या होता है। पाई हाँ आर ब्रैकेट एक्स प्लस आर। एक्स प्लस आर, वेरी गुड। हाँ जी बताइए जरा वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए इसकी जरा, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है यही होता है फॉर्मूला। प्लीज कैलकुलेट द वैल्यूज। हाँ जी बेटा हो गया। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन हो गई, 2 पाई आर की वैल्यू तो हमें पता ही है ना। देखो स्मार्टनेस कैसे दिखानी है हमें बच्चे, 2 पाई आर की वैल्यू तो पता ही है ना, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट यस और नॉट। यस 22 रख दी इसकी वैल्यू, आर की वैल्यू 7/2, एच की वैल्यू 40, बस सिंपल सी चीज है, 22 × 43.5, राइट बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 87 × 11 कर दो, ये देखिए 43.5, इसको हम लिख लें 2 × 43.5 × 11, तो इसका डेसिमल रिमूव हो गया, कितना आ गया बेटा, 957 इज स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इस किसको नहीं समझ आया बेटा, चलिए प्लीज सिट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज सिट डाउन टीचर, वी हैव क्लास टिल व्हाट टाइम, 9:30 टिल 10 10 o'clock। o'clock, ओके राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द केस स्टडी, केस स्टडी 1, ए बेकरी इज एन एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स फ्लोर बेस्ड फूड बेक्ड इन एन ओवन सच एज ब्रेड कुकीज केक पेस्ट्रीज एंड पाइज, इज दिस क्लियर जी। तो दे हैव टोल्ड अस कि व्हाट इज अ बेकरी एंड व्हाट प्रोडक्ट्स दे मैन्युफैक्चर, सम रिटेल बेकरीज आर आल्सो कैटेगराइज एज कैफे सर्विंग कॉफी एंड टी टू कस्टमर्स हु विश टू कंज्यूम द बेक्ड गुड्स ऑन द प्रीमाइसिस, तानिया रन्स ए बेकरी शॉप एंड हर बेकरी इज वेरी फेमस फॉर टेस्टी बिस्किट्स, द अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक वन बिस्किट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, हु विल एक्सप्लेन मी दिस स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक वन बिस्किट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, हु विल एक्सप्लेन मी दिस स्टेटमेंट, नोबडी, शैल आई कॉल समवन, मैं ही पूछ लेता हूं बच्चे बुला के। देखिए बेकरी जो प्रोडक्ट बना रही है, एक बिस्किट बना रही है बच्चे, बिस्किट के लिए जो आपको कंटेंट चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स है, दैट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट इज 18 सेंटीमीटर क्यूब, यस यस और नो,
Now, before it is cooked, the mixture is rolled into a sphere. After the biscuit is cooked, the biscuit becomes a cylinder of radius 3 cm and height 0.7 cm. समझ में आया बच्चे क्वेश्चन या नहीं आया? कि जब उसका डो बनाया तो वो एक सफियर था, बट जब उसको प्रेस किया तो दैट बिकम्स अ बिस्किट इन अ फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. इज दिस क्लियर? राइट. ओके. द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज ड्यू टू द एयर ट्रैप्ड इन द बिस्किट. राइट. बिस्किट्स आर पैक्ड इन अ सिलेंड्रिकल कार्ड बॉक्स ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. द अरेंजमेंट ऑफ बिस्किट इज शोन बिलो. पहले सबसे पहले बताइए कि बच्चे आपको जो केस समझ आया, सारा केस स्टडी जो थी, इसकी जो कॉन्सेप्ट था, इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? दे हैव एक्सप्लेन अबाउट ए कैफे शॉप और ए बेकरी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स. सो व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग कि व्हाट एवर द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट्स दे आर टेकिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ स्फीयर दैट कन्वर्ट्स इनटू सिलेंडर. राइट. एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज अ बिट. And that increase in the volume is due to air present in it. बच्चे आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं जी? आपने एसिड बेसिस और सॉल्ट वाला चैप्टर रीड किया है बेटा? वहां पे कौन कौन से सॉल्ट्स रीड किए थे? हाँ, जी, आपने एक बेकिंग सोडा नाम का सॉल्ट भी स्टडी किया था वहां पे. बेकिंग सोडा की एप्लीकेशन में हैव यू अंडरस्टूड कि दे पुट द बेकिंग सोडा जिसकी वजह से क्या होता है, केक्स वगैरह में फ्लफी होते हैं बच्चे, एरेटेड होते हैं वो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ विच गैस? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बेटा, यस और नो? Yes. तो सिमिलरली देर मस्ट बी सम दिस टाइप ऑफ सॉल्ट इन द बिस्किट्स ऑल्सो. देर मे बी बेकिंग सोडा ऑल्सो, ए स्मॉल अमाउंट, बिकॉज ऑफ विच देर इज अ राइज इन द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट. इज दिस क्लियर? हेयर इन द सिंपल लैंग्वेज ही इज सेइंग एयर. राइट. सो ड्यू टू द एयर द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट इज इंक्रीज. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. What is the volume of the biscuit after it is cooked? Anji, what we'll do in this? What is the volume of the biscuit after it is cooked? बच्चे देखिए यहाँ पे ये है ना लाइन, आफ्टर द बिस्किट इज कुक्ड द बिस्किट बिकम्स ए सिलेंडर ऑफ रेडियस. रेडियस कितना गिवन है बच्चे? एंड जीरो हाइट. पॉइंट Now, can you find out the volume of the cylinder? सेवन We have been given the dimension of the cylinder, cylindrical biscuits. So, can you find out the volume of one biscuit? यस Please do it. नाइनटीन 19.8. Everybody gets the same volume. What पॉइंट is the formula for volume? Pi is 22/7. R is 3 multiplied by 3 into 0.7. That is 7/10. 3 are 9, 9 to the 18, 1. Right, bacho? So this is the volume of one biscuit, right? So option C आ गया बेटा. Now comes to the second part. What is the volume of the air trapped while cooking the biscuit? Yes, tell me what will be the volume of the air. हाँ जी बच्चे, who will tell me? What will be the volume of the air?
सी स्टूडेंट्स, बिफोर कुकिंग द बिस्किट द वॉल्यूम ऑफ द बिस्किट वाज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। यस 18 थी ना बेटा, 18। द अमाउंट ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक वन बिस्किट इज 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1.8 वॉल्यूम ऑफ एयर, 1.8 समझ में आया बच्चों आप सबको? थर्ड पार्ट, हाउ मेनी बिस्किट्स विल बी देयर इन ए बॉक्स। हाँ जी बच्चे, कैलकुलेट कीजिए जरा। जो इसको बिस्किट्स आर पैक्ड इन ए सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ मेनी बिस्किट्स विल बी देयर। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना बच्चे इसको। हाँ जी, हो गया। लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड द केस स्टडी टू फाइंड द आंसर ऑफ द नंबर ऑफ बिस्किट्स इन ए बॉक्स। मोर ऑफ द कॉमन सेंस रादर देन द कैलकुलेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? एनीवन हैज डन, प्लीज रेज योर हैंड। किसी ने नहीं किया अभी तक। देखिए बच्चों, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए बिस्किट? बच्चे एक बिस्किट की हाइट कितनी है? लेट्स से दिस इज द बिस्किट, ये हो गया बिस्किट, इसकी हाइट है कितनी बच्चे? 0.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स? 14 सेंटीमीटर राइट, तो हाइट ऑफ द बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर। नाउ इन द 14 सेंटीमीटर हाई बॉक्स हाउ मेनी लेयर ऑफ द बिस्किट्स कैन बी देयर? प्लीज टेल मी हाउ मेनी लेयर। समझ में आ रहा है ना बेटा? एक के ऊपर एक बिस्किट सजा के रख दिया हमने जैसे, राइट? तो पूरी लेयर्स में एक पाइल के अंदर कितनी हाइट होगी बिस्किट की? हाउ मेनी बिस्किट्स कैन बी प्लेस्ड? ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, जैसे आप कैरम खेलते हो बेटा, कैरम की जो पाइल्स बना देते हो ना एक के ऊपर एक, यस और नो? सो इट इज लाइक सेम थिंग कि आपने बिस्किट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख दिए, तो हाउ मेनी लेयर्स विल बी देयर? बहुत ही सिंपल है बेटा। सी, हाइट ऑफ वन बिस्किट इज 0.7 सेंटीमीटर, 20 लेयर्स, एंड हाउ मेनी बिस्किट्स आर देयर इन वन लेयर? लुक एट द डायग्राम, सेवन सेवन है ना बेटा। सो हाउ मेनी बिस्किट्स विल बी देयर? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दिस, 10 o'clock तक जा रहे हो? सर नहीं, वो फिर फिजिक्स की भी है ना क्लास, अच्छा ओके, राइट बच्चों? सो हाउ मेनी बिस्किट्स? 140। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फोर्थ वन। इफ वेट ऑफ 7 बिस्किट्स इज 50 ग्राम्स, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉक्स ऑफ द बिस्किट्स? कितना हो जाएगा बच्चों? वेट ऑफ 7 बिस्किट्स इज 50 ग्राम्स, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 140 बिस्किट्स? हाँ जी बच्चों, बेटा व्हाट विल बी द वेट ऑफ वन बिस्किट? 50/7, तो वेट ऑफ वन बिस्किट कितना आ गया बच्चों? 50 ग्राम/7, सो वेट ऑफ 140 बिस्किट्स मल्टीप्लाई कर दे 140 से, तो हाउ मच इट कम्स आउट टू बी?
1000 grams और 1 किलोग्राम, राइट। देखिए बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन था ना, बॉक्स बनाया है, बिस्किट सजा दिए उसमें, और डब्बे का वेट पूरा 1 किलो आया जी, ठीक है ना। यस और नो, चलिए थैंक यू बच्चों। नाउ योर फिजिक्स क्लास विल बी देयर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट टीचर्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लीज वेव योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज वेव योर हैंड इफ आई एम ऑडिबल। शाबाश, थैंक यू थैंक यू। सो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी दैट ऑलमाइटी हैज गिवन अस अनदर चांस टू इंप्रूव अवर नॉलेज। बेटे लेट्स स्टार्ट फर्दर। हमने सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट बनाया था, और भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर आज हम असाइनमेंट के साथ चलेंगे। शाबाश, सारे बच्चे पुल आउट दी असाइनमेंट। इसमें क्या है, जिस जिस क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वो मैं साथ के साथ बताता चला जाऊंगा, ठीक है। जहां पर मेरे को लगेगा कि मेरे बच्चे अटक रहे हैं, उनका कमजोर रह गया कॉन्सेप्ट, वहां पर मैं बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा क्वेश्चन भी। और जहां पर अकेले क्वेश्चन का आंसर देने से बात बनती है तो गुड, आप लोग पार्टिसिपेट करोगे मेरे साथ। मेरे पास सारे बच्चों के नाम की लिस्ट है, मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कॉन्सेंट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट। बच्चों के नामों की लिस्ट थी यहाँ पर? नो, ये तो 8th की है, ये तो 10th के बच्चे हैं। ओके शाबाश। इलेक्ट्रिसिटी बेटे, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ो। इज देर एनी स्टूडेंट हु कैन गिव दी आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन? बी ऑप्शन, वन स्टूडेंट सेज बी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने, फुल मार्क्स। लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कैसे, ध्यान से सुनो बेटे। आप सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? इफ द फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट देन वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। करंट एंड रेजिस्टेंस, आगे सुनो। अगर मैं वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दूं तो रेजिस्टर की वैल्यू निकली,
कोई बच्चा अगर इसको फिगर वाइज समझना चाहता है तो ये मेरा रेजिस्टर है, इसमें मैंने वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया, लंबी वाला डंडी प्लस होता है, और ये ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही मैं इस स्विच को नीचे दबा के ऑन कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना शुरू हो जाएगा, रेजिस्टर के थ्रू घूमता हुआ यहां वापस आएगा। गॉट इट? अब एक चीज देखो, ओम्स लॉ में जब हमने करंट को डिनोमिनेटर में लाकर वोल्टेज अपॉन करंट निकाला तो रेजिस्टर निकला, लेकिन साथ की साथ आपको यह भी पता है कि रेजिस्टेंस का एक फार्मूला और भी होता है, कौन सा? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मतलब अगर कोई वायर का लेंथ एल हो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, उसका रेजिस्टिविटी रो हो, तो आर इतना होता है। यानी अगर तीन पैरामीटर फिक्स हो गए तो आर फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी तरह से जब ये रेजिस्टर लगाएंगे हम, उसको एक बार सर्किट में लगा ही दिया तो एल भी कुछ ना कुछ वैल्यू का हो गया, ए भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे डिपेंडेंट होती है रेजिस्टिविटी, वो भी कुछ ना कुछ हो गया, तीनों वैल्यू फिक्स होगी। तो आर, ये वाला आर इस आर से इक्वेट किया जा सकता है, यानी कि इक्वल, मतलब आर की वैल्यू कांस्टेंट आती है। अब ग्राफ देखो, ग्राफ देखो, ये क्या वैल्यू आती है? कांस्टेंट। ग्राफ में क्या बैठे हैं? वोल्टेज और इधर है और करंट इधर है। बी ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने से हमने क्या सीखा? ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया है 10th में थोड़ा बहुत। चाहे आप इस मोमेंट पे आ जाओ, देखो इतना करंट ले लो और ग्राफ को कट करा, इतना वोल्टेज हो गया, तो वोल्टेज को वी दे दिया, करंट को आई दे दी, आई डैश दे दिया, वोल्टेज को वी डैश, और टेन थीटा निकालना होता है। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा, बड़ा करके दिखाता हूँ फिगर बेटे अपने बच्चों को, अगर ये वी डैश हो, ये आई डैश हो, और यहां से ऐसे लाइन जा रही है, ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और टेन थीटा को मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप ऑफ वोल्टेज एंड करंट ग्राफ गिव्स यू दिस। लेकिन ये क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस। देखो वी अपॉन आई, तो स्लोप गिव्स रेजिस्टेंस। अब वो स्लोप चाहे यहां निकाल लो, या फिर कोई बच्चा कहे सर मैं तो किसी और जगह पे निकालना चाहता हूँ ग्राफ में, मैंने कहा वो बता दो बेटे, कह रहा मैं तो इतनी पिंक लाइन लूंगा और यहाँ परपेंडिकुलर को कट करूंगा, फिर ये वाली पिंक लाइन लूंगा, तो मैं तो ये बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा, बड़े वाली। मैंने कहा बेटे चाहे बड़े वाली राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, फिर भी उसमें एंगल तो वही बनेगा ना थीटा जैसे इधर बना है, तो उसमें भी आप जब टेन थीटा निकालोगे, परपेंडिकुलर वी डबल डैश अपॉन करंट आई डबल डैश, वो आई डबल डैश सॉरी, वो आर के बराबर ही आएगा, यानी के टेन थीटा के, यानी के स्लोप के बराबर आएगा। तो जब तक थीटा चेंज नहीं होता, टेन थीटा चेंज नहीं होगा, आर कांस्टेंट हो गया। तो सिर्फ एक ऐसा, यही एक ग्राफ है जो अलग अलग मोमेंट पर सेम स्लोप देता है, और स्लोप से हमें मिलता क्या है? रेजिस्टेंस। स्लोप क्या होता है? किसी पहाड़ी पे चढ़ने का एंगल बताता है, कितनी तीखी है वो पहाड़ी। हाँ, ग्राफ का, ग्राफ में ऐसे देखो इंक्लाइंड हो गया ग्राफ। और आप लोगों को मैथ में ट्रिग्नोमेट्री करा दिया या नहीं कराया बेटे? नहीं कराया तो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आपको समझने में हल्का सा मुश्किल आएगा। बस आपने सोच याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरह की होती हैं, उनमें से एक रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं और उसको स्लोप भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है? और अगर ये फिक्स रहे किसी ग्राफ में तो इनकी जो रेशियो वो फिक्स रहे तो वो कॉन्स्टेंट आ जाती है। कॉन्स्टेंट तभी आ सकती है जब दोनों पैरामीटर में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन हो, इसीलिए हमने बी ऑप्शन को पिक करा। ओके, और जो जो भी
जो भी यहां पर लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट इस तरह का ग्राफ नहीं दिखाता, कोई भी और तरह का ग्राफ दिखा दे, जैसे ऐसे दिखा दे, ए ऐसे दिखा दे, ए ऐसे दिखा दे, कोई भी तरह और तरह का ग्राफ हो, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ना हो, ऐसे कंडक्टर को नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वी इज इक्वल टू आई आर, उसका ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो हमसे तो क्वेश्चन ही ये पूछा हुआ, ठीक है बेटे। ओमिक रेजिस्टर मीन्स दैट रेजिस्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, दैट मीन्स द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट शुड बी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। समझ आया? से यस और नो। इफ यस वेव योर राइट हैंड बेटे, इफ यस वेव योर राइट हैंड। ओके, आपको बस ये टेन थीटा वाली एडिशनल टर्म याद रखनी है, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे सर मैथ वाले आपको, तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो इसको। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन में कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? देखो ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बोर्ड पर देखो, इसमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिखा रखा है। एक कंडक्टर ए है, एक कंडक्टर बी है। मान लो हम ए वाले का ग्राफ व्हाइट कलर से बना लेते हैं, मान लो हम बी कलर का ग्राफ येलो कलर से बना लेते, बी कंडक्टर का। ओके, अब वो कहता है इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है ये बताना है। ध्यान से सुनना, अब कैसे करेंगे, हमें ओम जिला से क्या पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर, आई को नीचे लेके जाएं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट गिव्स यू रेजिस्टेंस। लेकिन V अपॉन I, अभी थोड़ी देर पहले पुराने क्वेश्चन में हम क्या पढ़ के आए थे, वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा यानी के स्लोप, तो इसका मतलब जिसका टेन थीटा ज्यादा होएगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अब इधर चलते हैं हम एक पर्टिकुलर करंट फिक्स कर लेते हैं, मान लो यहां पर कर लिया हमने, इतना करंट ले लिया आई, आई डैश ले लिया। ओके, अब मैंने आई डैश करंट ले लिया, येलो वाले को कट करते हैं, देखो परपेंडिकुलरली यहां कट करा उसने, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ग्राफ का इधर से वोल्टेज नोट कर लेते हैं। मान लो ये हो गया वी डैश, तो अगर मैं बी वाले का रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो आप कहोगे सर स्लोप से निकलेगा बी वाले का रेजिस्टेंस, वी डैश अपॉन आई डैश। बिल्कुल सही, क्योंकि ओम्स लॉ ने यही बताया टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर दूसरे को निकालने व्हाइट वाले का, ध्यान से सुनो, व्हाइट वाले में मैंने नीचे से करंट उतना ही लिया आई डैश, तो ये लाइन यहां कट करेगी, व्हाइट वाले को यहां कट कर दी, तो उसको आई डब इधर ले आओ, वोल्टेज को यहां कट करा, तो कितनी वोल्टेज मिल गई, वी डबल डैश। तो व्हाइट वाले का रेजिस्टेंस क्या हो गया, वी डबल डैश अपॉन आई डैश। अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर आई डैश, लेकिन न्यूमरेटर किसका ज्यादा है, बी का ज्यादा है। देखो ये वी डैश देखो कहां तक जा रहा है, और वी डबल डैश कम है व्हाइट वाला, गॉट इट, येलो वाले वी डैश से व्हाइट वाला वी डबल डैश कम है। इसका मतलब है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर वो रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। ओके ना, ये जिसका न्यूमरेटर यहां पर पड़ा है, सॉरी येलो वाला बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा, क्योंकि डिवाइड करने वाली चीज तो सेम है। यस या नो, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, बोलो यस और नो, अगर यस तो ये वेव करो राइट हैंड,
अगर नो तो लेफ्ट हैंड। बेटे दोनों में से कोई भी बच्चा कोई भी हाथ नहीं वेव कर रहा, वो मेरी क्लास छोड़ दे। वो बच्चा मेरी एक एक तरफ हाथ कड़ा करना ही है बिना शर्म। नहीं समझ आया तो लेफ्ट में दोबारा बता दूंगा। इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर राइट हैंड अदरवाइज लेफ्ट। शाबाश, मोस्टली कैच कर लिया। कुछ बच्चे फिर भी कहना नहीं मानते, हाथ नहीं खड़ा करते, दोनों में से एक। तो आपने क्या देखा कि दोनों ग्राफों के लिए स्लोप कैलकुलेट कर लिए। स्लोप कैलकुलेटर करने के लिए टीचर ने एक टेक्निक अपनाई करी। टेक्निक ये अप्लाई करी कि करंट को सेम रखा, यानी डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम पर न्यूमरेटर अलग अलग हो गया। ये छोटे वाला न्यूमरेटर, ये बड़े वाला न्यूमरेटर। तो बड़े वाले न्यूमरेटर वी डैश में, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होएगा डिवाइड डिवीजन में आंसर भी बड़ा होगा। इसीलिए एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया था आपकी क्लास में, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। ओके, कौन सा बच्चा था जिसने ये जवाब सही दिया था बेटे? व्हाट योर नेम? पता नहीं, एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था बच्चे ने शुरू शुरू। एक बात और सुनना, कभी कभी पेपर में आपको तंग करने के लिए, ध्यान से सुनना ये इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रैप होता है। मैं सीबीएसई के पेपर 7 साल तक सेट कर चुका हूं। 7 ईयर तक पेपर बनाता हूं सीबीएसई के 10th के फाइनल। अब नहीं बनाता मैं, 7 ईयर तक बनाया है पहले। तो हम आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए, ध्यान से सुनो, वोल्टेज वाली एक्सिस को लिटा देते हैं और करंट वाली एक्सिस को खड़ा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं किताब से। किताब में ऐसा होता है, वोल्टेज एक्सिस खड़ा होता है, करंट डाउन। हम उल्टा कर देते हैं, करंट खड़ा कर दिया, वोल्टेज डाउन। तब उस केस में ये वाला रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर याद रखना, तो जिसकी वर्टिकल लाइन वोल्टेज वाली ज्यादा हो, करंट की सेम रखते हुए वोल्टेज वाली जिसकी ज्यादा हो, वो रेजिस्टेंस ग्रेटर होता है। और ये तब है अगर वोल्टेज एक्सिस खड़ी है और करंट एक्सिस डाउन। कोई बच्चे कहते सर वो भी उल्टा भी करके दिखा दो, ये वो भी देख लो बेटे। अगर मैंने आपको उल्टा करके दिखाना हो, मान लो मैं करंट एक्सिस को खड़ा कर दूं वर्टिकल एंड होरिजॉन्टल एक्सिस इज वोल्टेज, उल्टा कर दिया। अब मैंने यहां पर एक एक्स ग्राफ बना दिया, एक वाई ग्राफ बना दिया। तो जो बच्चा कंफ्यूजन में हो तो फटाफट से बोलेगा सर ने कराया था ए बी, वो वाई वाले को लार्जर रेजिस्टेंस लिख के आ जाएगा, इधर देखेगा ही नहीं एक्सिस। लेकिन समझदार बच्चा क्या करेगा कि सर ने एक टेक्निक अप्लाई करी थी, उन्होंने करंट को एक सर्टन वैल्यू पर फिक्स कर दिया था। मान लो उस करंट को मैं आई नॉट कह देता हूं। फिर सर ने ग्राफ को कट करा था पहले एक्सिस पे, पहले वाले ग्राफ पे वाई पे। तो सर का रेजिस्टेंस ऑफ वाई कितना आएगा, ये वाली वोल्टेज लेनी पड़ेगी, वी नॉट अपॉन आई नॉट, क्योंकि ओम्स लॉ के मुताबिक ऐसे ही आता है। दूसरी बार बच्चा बोलेगा कि सर ने उसी उसी करंट को आगे कट कर दिया था, येलो कलर से दिखा रहा हूं, यहां एक्स को कट करो, यहां आ गया, तो ये वाली वोल्टेज हो गई वी डबल नॉट। तो रेजिस्टेंस ऑफ वो एक्स कितना आ गया, वी डबल नॉट अपॉन आई नॉट। देखो करंट को मैंने सेम रखा। अब गौर से देखो कौन सा न्यूमरेटर ज्यादा है, वी डबल नॉट या नॉट। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर वी डबल नॉट ज्यादा है। वी डबल नॉट ज्यादा, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इसमें एक्स का रेजिस्टेंस हायर हो गया, वाई का कम। कब? कब? जब वोल्टेज एक्सिस लेटी हुई हो तब। पिछला क्वेश्चन अपोजिट था, उसमें वोल्टेज एक्सिस को अदर इधर कर दिया था, करंट एक्सिस को इधर, तब ऊपर वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा था। अगर वोल्टेज एक्सिस लेटी हो तब नीचे, अगर वोल्टेज एक्सिस लेटी हो तब नीचे वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर वोल्टेज एक्सिस वर्टिकल खड़ी हो तब ऊपर वाले ग्राफ का रेजिस्टेंस ज्यादा। समझ आया? यस और नो? प्लीज वेव योर राइट हैंड। भैया एक हाथ वेव करना ही है आपने। जो दोनों नहीं कर रहे मैडम, उनको बच्चों को बाहर कर दो प्लीज क्लास।
ओके, लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। रीड दी थर्ड क्वेश्चन। द करंट इन ए वायर इज 900 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 10 मिनट। मतलब करंट कितना होगा? शाबाश बेटे। थर्ड क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है थर्ड क्वेश्चन के लिए? इधर हम करेंगे सॉल्यूशन। योर अटेंशन। सभी बच्चों को 3 सिंबल्स और उनके यूनिट्स पता होने चाहिए। कौन सा? नंबर 1 क्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 2 आई, इलेक्ट्रिक करंट। एंड नंबर 3 टी, टाइम। इन तीनों का इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एसआई यूनिट सभी बच्चों को पता होना चाहिए। क्या होता है? कैन यू पार्टिसिपेट? चार्ज का क्या होता है एसआई यूनिट बेटे? कौन सा होता है? कोई बोल ही नहीं रहा। कैपिटल सी से लिखते हैं, क्यूलम। और आपके असाइनमेंट में गलती से स्मॉल सी लगा रखा है इसमें। कैपिटल सी कर देना। 900 क्यूलम है ना, कैपिटल कर दो वहां पर। आई स्टैंड्स फॉर, इसका ऐसा यूनिट होता है कैपिटल ए से, बता सकते हो? एम्पियर। और देखो ये एम्पियर को जब स्पेलिंग लिखना है ना, कैपिटल ए से नहीं लिखना। जब तो साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है तब तो कैपिटल ए लिखना होता है। जब यूनिट का नाम लिखना होता है तो पहला लेटर संभाल कर देना होता है। हालांकि ये दोनों साइंटिस्ट हैं, पर प्रेजेंटली वी आर यूजिंग दीज सिंबल्स एज यूनिट्स। टी का इंटरनेशनल यूनिट होता है स्मॉल एज सेकेंड। अब ये तीनों पैरामीटर जिनको टीचर सर्कल कर रहा है, देयर शुड बी अ रिलेशन विच शुड बी नॉन टू यू। देयर इज अ रिलेशन विच शुड बी नॉन टू यू। व्हाट इज दैट? क्यू और आई और टी में एक रिलेशन। क्या सा रिलेशन? ये वाला बेटे। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को निकालने के लिए चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो। कोई बच्चा बोले सर इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से सुनो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि एक ये सर्किट है और उसमें हमने बैटरी लगा के करंट निकाल दिया, तो उस सर्किट में एक पर्टिकुलर पॉइंट टीचर ने लगाया है येलो कलर का। इस येलो कलर में से 3 सेकंड के अंदर अंदर कितना चार्ज पास हो गया एक सर्किट के एक पर्टिकुलर पॉइंट में से? 30 सेकंड के अंदर अंदर कितने क्यूलम चार्ज पास हो गया, उसको करंट बोलते हैं। दैट इज वाई करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी इंग्लिश में रेट वर्ड लग जाए, बट याद रखना बेटे, रेट इसका मतलब है डिवाइड करने वाली चीज, हमेशा टाइम होएगी। टाइम, चाहे 9th की क्लास हो, 10th हो, +1 +2, BSc 1 2, MSc इंजीनियरिंग, जो मर्जी हो, सारी पढ़ाता हूं मैं। जहां पर आपने रेट वर्ड लगा दिया तो डिनोमिनेटर हमेशा टाइम होता है। एक और भी सुन लो साथ में, जहां पर वर्ड ग्रेडियंट आ जाए, ग्रेडियंट, तो डिवाइड करने वाली चीज हमेशा लेंथ होती है। लेंथ वो किसी और क्लास में काम आए, पर फिर भी दो ही चलती है बस। टाइम से डिवाइड करा, इसीलिए रेट वर्ड बोलते हैं। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, अब सॉल्यूशन निकाल लें तुम। क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है बेटे हमें? 900 क्यूलम। टाइम कितना है? 600 सेकेंड। जानबूझकर उसने टाइम को मिनट में दिया है मेरे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, पर मेरा बच्चा स्मार्ट है, उसको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो तो टाइम को 600 सेकंड ही पुट करेगा। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पीयर। ओके,
बच्चों को समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन? वेव योर राइट हैंड इफ यस। वेरी गुड टॉम, वेव करा करो साथ में मेरे को, थोड़ा दूर पड़ती है ना, थोड़ा सा आखिरी तक बच्चे बढ़ते हैं, अगर स्टिल हाथ खड़ा हो तो मेरे को दिखता नहीं, अगर वेव करते तो मेरे को पता लग जाता है आखिरी वाला बच्चा। अच्छा बेटे शाबाश, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन शाबाश, लेट्स स्टोर इट। थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक करते हैं, कहीं हम पुराना भूल ना जाए। एक बार मैं फोटोज दिखाता हूं आपको, देखो तो, एक ये सीखा, एक ये सीखा, एक ये सीखा, एक ये सीखा। अब चलते हैं आगे बैठे। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले टीचर को बेस बनाना पड़ेगा। शाबाश, कॉन्सेप्ट, फिर सोल्यूशन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए बेस, योर अटेंशन बेटे। अगर मेरे पास एक वायर हो या रेजिस्टर हो, उसका लेंथ मेरे को पता लग जाए, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे को पता लग जाए, उसका मटेरियल का नेचर मेरे को पता लग जाए कि वो अल्युमिनियम है कि कॉपर है कि क्या है, तब मैं उसका रेजिस्टेंस कितना निकाल सकता हूं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रहे, कैपिटल आर का मतलब है रेजिस्टेंस और रो का मतलब होता है, ये रो सिंबल होता है, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, इसी का एक नाम और भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है और मटेरियल के टेम्परेचर पे, दो ही चीजों पे डिपेंड करता है बस, मटेरियल की नेचर कि ये किस चीज का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर क्या है। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखो, शाबाश। ये हमने रेजिस्टेंस सीख लिया। कोई बच्चा कहते हैं सर ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और ये होता क्यों है? ध्यान से सुनो, रेजिस्टेंस का मतलब है करंट की पासेज में रुकावट लगना, द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चे मेरे से पूछते हैं सर वो रुकावट लगती कैसे है? बाय द वे ध्यान से सुनना, लगती कैसे है इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास ये वायर है, मैंने इधर बैटरी लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकलना शुरू हुआ, जिधर को करंट जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज इधर जब जा रहे हैं, ध्यान से सुना, तो जाते जाते ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं। अगर इनकी म्यूचुअल कुलयंस कम हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, अगर इनकी म्यूचुअल कुलयंस ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, अटक ज्यादा लग गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टेंस का रीजन क्या है व्हाई, तो आप बोलोगे कुलयंस मैंने टकराव, कुलयंस अमंग फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी कुलयंस कब ज्यादा होंगी? ध्यान से सुनना, अब इनकी कुलयंस कब ज्यादा होएंगी कब कम होएंगी, ज्यादा पे बात कर लेते हैं। चलो तीन बातें हैं उसकी ज्यादा होने की, ध्यान से सुनना। पहली पहली ये कि उनको लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़े, यानी लेंथ के बढ़ने से कुलयंस बढ़ जाएंगी, कुलयंस बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, उनको निकलने के लिए रास्ता टाइट कर दिया जाए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दो पैरामीटर। तीसरा सुन लो ध्यान से, तीसरा थर्ड, मैं इस कंडक्टर को यहां पर मान लो कैंडल लगा के गर्म कर दूं, जैसे ही मैंने कैंडल लगा के गर्म करा तो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिल गई,
इलेक्ट्रॉन्स पहले के मुकाबले ज्यादा फास्ट जाने लगेंगे। ज्यादा फास्ट जाने वाली चीज ज्यादा टक्करे मारती है। मान लो आपको किसी भीड़ में से गुजर के जाना है, वो भी तेजी से जाना है, तो आपके कोलाइजन ज्यादा होंगे। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलाइजन बढ़ती हैं, उसकी वजह से करंट के रास्ते में रुकावट बढ़ती है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। करेक्ट, ये था कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है वर्टिकल एक्सिस पर करंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वोल्टेज है, और ये ए रेजिस्टेंस है, ये बी रेजिस्टेंस का ग्राफ है। कहता दोनों में से टेम्परेचर किसका ज्यादा है। टेम्परेचर बेटे आपको अच्छे से याद है कि जब मैंने बोला था जब वर्टिकल एक्सिस लेटी हुई हो, मैंने यहां पर एग्जांपल करके बताया था वाई एक्स, याद है? जब वर्टिकल एक्सिस लेटी हुई हो तो जो नीचे वाला एंड ग्राफ होता है उसका रेजिस्टेंस हायर होता है। करेक्ट, इसका मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। सर कैसे? वही जो स्लोप कॉन्सेप्ट कराया था अभी, अभी टेन थीटा वाला समझाया था आपको, वही टेक्निक है बस। तो जब रेजिस्टेंस ए का कंफर्म हो गया बी से ज्यादा है, और टीचर ने इधर क्या बोला था कि टेम्परेचर के बढ़ने से कोलाइजन्स बढ़ती हैं, कोलाइजन बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब इन दोनों बातों को लिंक करो, इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है नेचुरली उसमें कोलाइजन्स ज्यादा है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है। आ गए समझ बेटे? दोनों बातें लिंक होगी कि नहीं? से यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज वेव योर राइट हैंड। अगर इसी सेंटेंस को, इसी आंसर को मैंने पेपर में इंग्लिश में लिखना हो, प्लीज लुक एट द टर्मिनोलॉजी, माय वोकैबुलरी, ध्यान से सुनना। आई विल से फ्रॉम द गिवन ग्राफ इट इज क्लियर दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लार्जर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। दैट मींस इन केस ऑफ ए कंडक्टर देयर विल बी मोर ऑब्स्ट्रक्शन टू द करंट व्हेन फ्लोइंग इन द वायर, एंड मोर ऑब्स्ट्रक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ मोर कोलाइजन्स आर हैपनिंग अमंग मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड मोर कोलाइजन्स कैन हैपन इन थ्री वेज, आइदर द लेंथ इज मोर और द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लेसर और द टेम्परेचर इज मोर। तो आप कहोगे कि गिवन क्वेश्चन में दोनों वायर्स जो दे रखी हैं उसमें टेम्परेचर ए का बड़ा होएगा तभी उसका रेजिस्टेंस हायर हो। इज दैट क्लियर? बी ऑप्शन सही हो गया इसका। मूविंग टू दी फिफ्थ क्वेश्चन, शाबाश, फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद करो, उसके साथ का मैंने करा रखा है, सॉल्व इट योर सेल्फ। सेम है, जो थर्ड क्वेश्चन है वही है। अच्छा वो सेम ही आ गया, फिफ्थ क्वेश्चन सेम हो गया। लेट्स मूव टू दी सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए मेरे अपने बच्चों को फिर से मेरे को बेस बनाना पड़ेगा, नया बेस। सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा पहले मेरे को। ध्यान से सुनना, अब नई चीज बताने लगा हूं। अभी अभी हमने बोला था कि सर इसको वोल्टेज बोलते हैं, इसको करंट बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब दो वर्ड और एंटर करने लगा हूं, इसको पावर बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं, इसको वर्क बोलते हैं। फिर से सुन लो, एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, वर्क। एनर्जी की यूनिट किलो वाट आर होती है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, पावर की यूनिट होती है किलो वाट या वाट, वोल्टेज की यूनिट होती है वोल्ट, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम, और याद रहे वर्क की यूनिट वही होती है जो एनर्जी की। सेम
सेकंड इसमें पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें वो कौन सा, ये बेटे जब भी बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल वो इस बात से नहीं आता कि पावर कितनी कंज्यूम हुई, वो इस बात से आता है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, मतलब मोर दी एनर्जी मोर दी इलेक्ट्रिक बिल, उतने ही ज्यादा पैसों का बिल आएगा जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। यानी किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनमें रिलेशन क्या है आपस में सारे पैरामीटर का, ध्यान से सुनना। एक और भी लिख दूं तो वो होता है चार्ज, उसकी यूनिट कूलम। ध्यान से सुनना अब सारे, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस पता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट पता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम नया फार्मूला, पावर इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, ये फार्मूले होते हैं। पावर इज ऑल्सो इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, हीट इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। अगर मैं यहां पर हीट लिख दूं एच, तो हीट की यूनिट भी वही होते हैं जो एनर्जी के होते हैं, हीट के वर्क के एनर्जी के, तीनों के ये सेम यूनिट। तो ये फार्मूले चार्ट आपको बन जाना चाहिए अभी तक, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा सुस्त बच्चा ना बैठा हो जिसने ये फार्मूलों का चार्ट अभी तक ना बनाया हो, सारे बना दो फटाफट, बी क्विक। हाँ मैं छोड़ने लगा हूँ, छोड़ने लगा हूँ, 2 मिनट की बात है बस। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना बेटे, फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें आ जाओ वापिस। डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आवर, सीधी बात, किलोवाट आप बोलोगे ये तो पावर की यूनिट है जी, इलेक्ट्रिक पावर की, और किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी की बोल दो चाहे हीट की बोल दो चाहे वर्क की बोल दो, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? शाबाश, किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, और दूसरे वाला किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ हीट। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके तो 7th क्वेश्चन से आप लोग जम के घर से प्रैक्टिस करके आओगे और हम इस असाइनमेंट को ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते बनाते सीखेंगे। जिन बच्चों को, बस लास्ट क्वेश्चन, कॉपीज आप बंद कर दो, जिन बच्चों को ये टेक्निक पसंद आई सर, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बना के साथ में आप क्वेश्चन करा देते हो, दिस इज गुड फॉर मी, जिनको ये पसंद आई प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स, शाबाश, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स अगर आप ऐसे पकड़ रहे हो। ओके थैंक यू बाय बाय, अगली बाय। बार मिलते हैं बेटे, अगली बार मिलते हैं। Gracias.